दोस्तों, आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी और आईयूआई ये एक्चुअली होता क्या है, इसका क्या मतलब है और किन कपल्स को आईवीएफ या आईयूआई का सहारा लेना चाहिए? आईवीएफ और आईयूआई ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, ये जानने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर अदिति से। डॉक्टर अदिति जो की मानव इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन है और नवी मुंबई मुंबई में प्रैक्टिस करती है। आइए मिलते हैं और बात करते हैं आईवीएफ और आईयूआई इसके बारे में। डॉक्टर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। हाय, टुडेस टॉपिक इज अबाउट आईवीएफ, इज इट? यस मैम, आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली आईवीएफ इज। ओके, सो फर्स्टली आई वांटेड टू जस्ट ब्रेक अवे विद दिस मिथ दैट जो लोगों को लगता है ना कि हम आईवीएफ अभी हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमको बोलेगा कि आपको आईवीएफ करना है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना है। बट एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। आईवीएफ जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है जब पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा है और हम उसको आईवीएफ एडवाइस करते हैं, वो लास्ट स्टेप रहता है। उसके पहले जो है वो बहुत डिटेल्ड इवैल्यूएशन रहता है। जो जब भी हमारे पास कपल आता है बोलते कि हम कंसीव नहीं हो रहे, तो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम उनको थोड़े ब्लड टेस्ट करने को बोलते हैं, सोनोग्राफी करने को बोलते हैं और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, कभी कभार पेशेंट को थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो वो करेक्ट करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कभी कभार पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है तो वो करेक्ट करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। पर अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे फिर हमको वी हैव टू गो इन फॉर द नेक्स्ट। तो एक होता है कि वी विल ट्राई टू सी दैट द एग्स आर ओव्यूलेटिंग प्रॉपरली और उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं। तो वन इज वी डू दैट। The next step is we do something called as IUI, that is called as intrauterine insemination. And the third step is IVF. So IVF is actually not the first step when a patient is trying to conceive. It is actually the last step. IVF and test tube baby is one is the same? Yeah. So okay. We have IVF. Now, abhi normally kya hota hai ki your egg and the sperm are meeting inside the फेलोपियन ट्यूब, जो औरत का एक ट्यूब रहता है वो फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसको। तो वहां पे द एग एंड द स्पर्म मीट एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और एम्ब्रियो बनता है एंड देन दैट एम्ब्रियो गोज इनटू द यूट्रस। दैट इज हाउ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी हैपेंस। नाउ इन आईवीएफ व्हाट हैपेंस इज दैट द एग इज रिमूव्ड फ्रॉम द मदर, ओके, फ्रॉम द लेडी द एग इज रिमूव एंड then and a sperm sample is taken from the husband and both the egg and the sperm are meeting outside in a, it's not a test tube but it is in a laboratory on a petri dish, it is called. So on a dish the egg and the sperm are allowed to meet outside. So that is what the why it is called as in vitro fertilization. So the fertilization of the egg takes place not inside the body of the female but outside. Then that egg, once it is becomes fertile or once an embryo is formed, then that embryo is put inside the mother's uterus. Ma'am, what is IUI? Yeah, so IUI, the full form of that is intrauterine insemination. Now in intrauterine insemination, what we do is we are just increasing the chances of the sperm and the egg meeting. Our final goal is the egg and the sperm should meet. So what do we do is that the husband gives his semen sample, okay, one day prior or on the same day. Then that semen sample is put in a machine and the best quality of the sperm come out of that machine. So the like a centrifugation is done. Then these sperm are then injected into the uterus of the mother, of the lady, in a very small procedure. It does not require anesthesia, it does not require anything. It is done in the doctor's clinic or in a separate place it is done, but not in an operation theater. And it's a very small procedure. The lady does not need to get admitted on the day prior. She just needs to visit on that particular day when the intrauterine insemination is planned. So this is in case the husband is having some problem with the semen sample. So the best quality of the sperms will be chosen
and injected into the uterus. At the same time, the lady's cycle also will be monitored. Okay, so you're monitoring the lady's menstrual cycle in such a way that she is going to produce an egg at that point of time. So when she's ovulating, around the same time, the husband's sperm will be introduced inside the woman and she will conceive. So this is called as intrauterine insemination. So the fertilization in this happens at the egg and the sperm meeting happens inside the woman's body itself, not anywhere outside. It's safe, but obviously the success rate of intrauterine insemination is less than that of what it is for an in vitro fertilization. Okay, there is no painful injections and all that is involved with intrauterine insemination, and it is cheaper. It is very cheap as compared to an IVF. So that is what we use as a first step, because sometimes there might be that the egg and the sperms are not meeting because of some minor problem. So in that case, intrauterine insemination works. What is the success rate of IUI and IVF? So success rate of IUI and IVF, again, it depends a lot on what is the age of the couple. So if I'm going to do the IVF and for a lady who's less than 35 years, then there's a chance, 55% chance that she will conceive, or a 50% chance that she'll conceive. Okay. And if I do IUI, there is a 15 to 20% chance that she will conceive. So nothing is 100%. IVF is not 100%. IUI is not 100%. Natural also is not 100%. And as the age goes on increasing, your success rate of IVF, IUI, everything keeps dropping. So the earlier you go to a doctor, the younger you are, the better number of eggs you have, and the better chance of you conceiving is there. As you said that the success rate is only 50 to 55% of IVF. So I would also like to know, what are the disadvantages of IVF? Yeah, so IVF as such, there is no disadvantage. Like kabhi kabhi couples ko lagta hai ki humne agar IVF se humko bachcha ho gaya, to shayad bachche mein kuch problem ho jayega, ki bachche mein kuch defect reh jayega. Aisa kuch nahi hota hai. Bachcha jaise normal mein rehta hai, waise hi rahega. Uska hum guarantee de sakte ki bachcha jo hai, usme कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं रहेगा, उसमें कुछ ये नहीं रहेगा. अभी जो नॉर्मल में रह सकता है, मतलब उतना ही चांस है आईवीएफ में भी. कुछ स्पेशल रिस्क नहीं रहता कि अगर आईवीएफ से बच्चा हो गया तो बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है. बट वॉट इज द रिस्क इज इट इज समथिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट नेचर. सो जो नेचुरल है, जिसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे. लाइक इन वंस यू कंसीव, तो इन प्रेगनेंसी अबॉर्शंस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे, तो दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. प्री टर्म लेबर, मतलब जल्दी से लेबर में जाने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो वो रिस्क रहता है. अभी अनदर क्वेश्चन जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि क्या वो पेनफुल होता है आईवीएफ का प्रोसीजर. अभी आईवीएफ के प्रोसीजर में हमको इंजेक्शंस देने पड़ते हैं औरत को, ताकि उसके एग्स ठीक से बने और वी गेट sufficient number of eggs. जब हम वो procedure करने के लिए we need at least 5-6 eggs. तो उसके लिए we have to give injections to the lady. So वो injections yes थोड़े painful रहते हैं, but जो हम procedures करते हैं बाकी के, वो procedures सब anesthesia के under रहते हैं. तो that is not painful as such. उनको on the lady को कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके साथ प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि वो सब एनेस्थीशिया के अंडर होता है. सो ऑब्वियसली इफ देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व, द कॉस्ट विल बी मोर. एंड जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होता है, उतना कॉस्ट ज्यादा रहता है. तो आईवीएफ इज डेफिनेटली एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर. इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1 lakh to 2 lakhs, और डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मेडिसिंस आल्सो यूजिंग, इट कैन बी डन एट अ लो कॉस्ट आल्सो. बट if you want the best of the medicines and everything best, then it will go on to at least 1 lakh rupees. So it is an expensive procedure, that I would say. So that is the biggest disadvantage right now. IVF is the cost factor, and IUI is cheaper. It will be between 10,000-30,000 tak IUI ho sakta hai. But again, the success rate is less than an IVF, but sometimes it does help. IUI also helps.
But the only differentiating factor between an IUI and IVF is if at all the ladies, जो मैंने पिछली बार भी बोला था, fallopian tubes रहता है. If the fallopian tubes are not blocked, और fallopian tubes are healthy, तभी हम intrauterine insemination try कर सकते हैं. अगर लेडी का fallopian tubes block है या उसमें कुछ problem है, then she will have to go in for an IVF. That obviously the doctor will decide. One more thing I would like to know, doctor. Chances of having a normal delivery after going for IUI or IVF? Normal delivery can definitely. See, once you are pregnant, okay, then you are like any other normal pregnant lady. So the chance that a normal lady has of conceiving is the same as that the chance of normal delivery what a lady who's conceived naturally has is the same as what a lady who's conceived with IVF is. That again is a very normal thing. Like there's nothing different between that. But as I said, the pregnancy can get, there can be more complications in the pregnancy because we're going against nature. So the mother will have to be given some special drugs by the doctor so that she doesn't abort and she doesn't go into preterm labor or doesn't have any complications. The doctor will give her those special medications. But otherwise, the chance of going into normal labor and delivering a child is the same as what any other lady will have. Yeah. Okay. Thank you so much, doctor. You have really given very nice information about IUI and IVF. So I would like to say thanks once again because you have shared such a precious time and you have shared this information with us. Friends, if you like the information, please do share with your friends. और हमारे अगले इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम इसी तरीके से नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सी यू, बाय. थैंक यू.